बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाए, उसके परिसर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया है। केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर के सर्वे वाले केस को छोड़कर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। इससे पहले 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया था, जिनमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं बताया था, इसका दावा किया था। हाई कोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वादी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण संघर्ष न्यायिक के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि हिंदू पक्ष के पास प्राचीन सबूत है। खसरा खतौनी में नाम हिंदू पक्ष का है। बिजली और पानी का बिल हिंदू पक्ष देता है। नगर निगम का टैक्स भी हिंदू पक्ष देता है। इसलिए एक न एक दिन सर्वे अवश्य होगा, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर फैसला देती है। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सहयोगी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने शाही ईदगाह को करीब 2.37 एकड़ भूमि दे दी थी। समझौते के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को भंग कर दिया गया। इसी समझौते को हिंदू पक्ष अवैध बता रहा है। हिंदू पक्ष के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को समझौते का अधिकार नहीं था। इसके पीछे का तर्क क्या है, अब वो सुनिए। 1946 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर बिड़ला की मौत हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। इसी के बरक्स डालमिया साहब, जिन्होंने बिड़ला साहब के साथ मंदिर बनाने का काम शुरू किया था, उन्होंने भी एक ट्रस्ट की स्थापना की। और 1968 में इसी ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया था। इसके साथ ही मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए बीच में एक दीवार बना दी गई थी। समझौते में यह भी तय हुआ था कि मस्जिद में मंदिर की कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा, यानी यहाँ उपासना के लिए दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1968 का ये समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से वैध नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देवता कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे। शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगजेब ने कराया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण केशव राय मंदिर के जगह कराया गया था। इसके बारे में भारतीय इतिहासकार यदुनाथ सरकार, जिन्होंने औरंगजेब के ऊपर खूब लिखा पढ़ा, लंबा काम किया, उन्होंने भी अपने लिखित औरंगजेब की जीवनी में इसका जिक्र किया है। इस पूरे इलाके को नजूल भूमि यानी गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीद ली थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद भी बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान भी कहा जाता है। राजा पटनीमल के बेटे ने यह भूमि जुगल किशोर बिड़ला को बाद में बेच दी और ये पंडित मदन मोहन मालवीय और गोस्वामी गणेश दत्त और भी केन लाल जी के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसने कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। भारतीय कानून के मुताबिक एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट में केस लड़ने तक समेत कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून में देवता को नाबालिग जैसा माना गया है और कोर्ट में वो पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं।
हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार भी मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी है, लेकिन क्या कमिश्नर की नियुक्ति के बाद सर्वे जारी हो सकेगा, या फिर जिस पर कोर्ट का फोकस रहा कि हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है, उसे वापस से कोर्ट में लिखित तौर पर क्या सौंपा जाएगा। अगले हफ्ते 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख उस दिन क्या रहता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।